देख रहे हैं जी पुरवैया और आपके साथ मैं हूं ललिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो इस वक्त पटना से है। पटना के गोविंद मित्रा रोड में दवा व्यापारी अनिल अग्रवाल के हत्याकांड में सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया है। इस सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि पहले एक शख्स दुकान की ओर जाता है, फिर दो लोग दुकान में जाते हैं, कुछ देर बाद तीनों एक एक कर दुकान से बाहर निकल जाते हैं। बताया ये जा रहा है कि इसी दौरान बदमाशों ने हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में तीन संदिग्ध को हिरासत में लिया है। तो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और अब तक तीन संदिग्ध को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दवा व्यापारी अनिल अग्रवाल की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया है। दवा व्यापारी अनिल अग्रवाल की हत्या बदमाशों ने बीते सोमवार को की थी। गोविंद मित्रा रोड में दुकान के पास बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। इस हत्याकांड के बाद पीड़ित परिवार सदमे में है, वहीं अब सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद कुछ उम्मीद जगी है। हो सकता है अब पुलिस इस फुटेज के आधार पर दोषियों तक पहुंच सके और पीड़ित परिवार को न्याय दिला सके। आरजेडी विधायक सरोज यादव की बहन की हत्या मामले में दो आरोपी ने सरेंडर किया है। आरोपियों ने आरा सिविल कोर्ट में सरेंडर किया है। वहीं इस मामले में विधायक ने राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वो आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। इस मामले में विधायक सरोज यादव ने न्याय की मांग की है। वहीं आरजेडी और जेडीयू ने इस मामले की निंदा करते हुए न्याय का भरोसा दिया है। उस हत्यारे को जिसके वजह से मेरे घर में इस तरह की मातम, मेरे बहन की घर में मातम छाई है, मैं उसको फांसी दिलवाने के लिए मैं सरकार से गुहार लगाता हूं और पूरे बिहार की जनता से और पूरे देश की जनता से मैं गुहार लगाता हूं, कैसे हत्यारे को फांसी पर चढ़ाने के लिए आप लोग मेरा मदद करें। पुलिस ने आपका आश्वासन दिया, क्या विश्वास है? मुझे पुलिस पे कोई भरोसा नहीं है, मुझे मेरी सरकार पे भरोसा है। मेरी सरकार पे मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ एसपी के लापरवाही की वजह से हुआ है। मैं मांग करता हूँ अपनी सरकार से कि एसपी को बर्खास्त किया जाए। एमएलए और एक आम नागरिक, हर व्यक्ति के लिए कानून का राज है और हर व्यक्ति को महफूज होने का अधिकार है इस मुल्क में, हमारे राज्य में। जब कभी क्षति होती है, पारिवारिक क्षति होती है, परिवार में इस तरह की कोई दुर्घटना होती है, तो एक आक्रोश स्वाभाविक है। इसको अतिरंजना और अतिरेक से अगर हम देखने की चेष्टा करेंगे तो नुकसान करेंगे। उनके साथ जो घटना हुई है बहुत दुखद है, हम सबको उसका अफसोस है और उनकी बहन की मृत्यु भी हो गई है चोट लगने के कारण। और उन्होंने खुद कहा है कि ये घटना कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है, तो पुलिस अपना अनुसंधान कर रही है। अपराधी इस राज में बख्शे नहीं जाते हैं, ये भी नहीं बख्शे जाएंगे, ये वो जानते हैं। हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे वक्त उनके घाव पे मरहम लगाएगा, लेकिन ये ऐसी क्षति है जिसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती है, लेकिन राज्य सरकार और पुलिस अपना काम करेगी। बीजेपी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है। बीजेपी नेताओं ने एक सुर में कहा है कि जब विधायक का परिवार ही महफूज नहीं है तो जनता कैसे सुरक्षित होगी। पहले भी कहा है कि सरकार के अंदर कानून का राज कायम करने की क्षमता नहीं है। जिस प्रकार के लोग सरकार में शामिल हैं, जिस प्रकार की सोच है सरकार में शामिल लोगों की, उसके आधार पर कानून का राज कायम करना संभव नहीं है। अब तो सत्तारूढ़ दल के विधायकों के परिवार पर पड़ रही है बात, तब उनको बेचैनी बढ़ रही है। आम आदमी मारा जा रहा था कोई चिंता नहीं थी। और मेरा पूरा मानना है कि ये सरकार बिहार में कानून का राज साबित नहीं कर सकती। कि जिस प्रकार से अपराधियों को आपने बेलगाम छोड़ा हुआ है नीतीश कुमार जी ने, तो अपराधी अपना शिकार करेंगे और शिकार कभी आम व्यक्ति भी हो सकता है, कभी खास व्यक्ति भी हो सकता है। और इन दोनों ही खबरों पर ज्यादा जानकारी देंगे जी मीडिया संवाददाता अमित कुमार। हम ऐसा सीधे पटना से जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अमित, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बार फिर से सवाल उठाया जा रहा है और लॉ एंड ऑर्डर एक बार फिर सवालों के घेरे में है।
बिल्कुल ललिता, देखिए दो बड़ी घटना हुई है हाल के दिनों में बिहार में। एक बड़ी घटना है वो पटना के राजधानी जो पटना है वहाँ पे हुई है, गोविंदा रोड में अनिल अग्रवाल जो है उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई सरेआम। और इस मामले में हालांकि पुलिस ने वो सीसीटीवी फुटेज हासिल किया है जिसके आधार पर अपराधियों की धरपकड़ की बात पुलिस कर रही है। लगातार पुलिस महकमे की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम पटना पुलिस करेगी। पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में भी लिया है जिनसे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। वही बात अगर आरा की कर ले तो आरा के जो घटना हुई है सायल देवी के साथ जो घटना हुई और उसके बाद उनकी मौत हो गई है, तो इस मामले में सीधे तौर पर सत्ताधर दल के जो विधायक हैं वो खुद कह रहे हैं कि पुलिस पर उनका यकीन नहीं है। लेकिन ये भी बात यहाँ समझनी होगी कि पुलिस जो है, पुलिस का इकबाल जो है वो सरकार के जो नीति होती है उसके तहत ही होती है, तो कहीं ना कहीं वो अपने सरकार पे भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो कानून व्यवस्था है उस पर खबर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और यही वजह है कि सूबेवासी जो हैं वो अब खौफ के साए में जीने को मजबूर हो गए हैं, या फिर यूं कहें तो बैठे बैठाए जो विरोधी खेमे के लोग हैं उन्हें एक राजनीतिक जो मुद्दा भी मिल गया सरकार को घेरने का। लेकिन यहाँ ये भी देखना जरूरी होगा कि जो बिहार पुलिस है, पटना पुलिस या आरा पुलिस की बात कर लें, ये दोनों जो हैं वो अब तक अपराधियों को पकड़ नहीं पाई। बात अगर आरा के संदर्भ में कर लें तो आरा के मामले में जो आरोपी हैं मिथिलेश और संतोष, ये दोनों जो हैं खुद जाकर के आरा कोर्ट में आत्मसमर्पण किए हैं, पटना की पुलिस ने गिरफ्तार की है। और पटना पुलिस की भी अगर बात कर ली जाए तो अभी तक पुलिस के हाथ जो है वो खाली ही हैं, तो कहीं ना कहीं अपराधी जो है वो पुलिस तंत्र पर हावी हुए हैं और इसका इसी के कारण जो है सूबे में कानून व्यवस्था बिगड़ी है और लोग जो है अब दहशत में महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल अमित, एक सवाल जानना चाहेंगे कि जिस वक्त दवा व्यापारी की हत्या हुई थी उसके बाद पुलिस ने कहा था कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आगे की तफ्तीश करेगी, और अब सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है, अब पुलिस क्या कह रही है पूरे मामले को लेकर, क्या बता रही है? देखिए, पुलिस से हमने बात करी है, पटना के एसएसपी मनुमरा से हमारी बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि जो हुलिया सीसीटीवी फुटेज में दिखाई पड़ा है और जो आसपास के चश्मदीदों ने जो जानकारी पुलिस को दी थी, जो हुलिया उन्होंने पुलिस को बताया था, उसके आधार पर तीन लोग डिटेन किए गए हैं। हालांकि अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, इन लोगों ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया है, या यही वो तीनों हैं ये भी अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, साफ नहीं हो पाई है। तो फिलहाल पटना के एसएसपी का ये दावा है कि जल्द ही हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली जाएगी। लेकिन दूसरी ओर ये भी देखना यहाँ जरूरी है ललिता, कि जो दवा कारोबारी है, जो दवा संघ के लोग हैं, उन्होंने पटना पुलिस को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जिसमें से तकरीबन 50 घंटे से अधिक का वक्त बीत चुका है, कुछ घंटे शेष रह गए हैं, 10-12 घंटे शेष रह गए हैं। और अब ऐसे में पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है कि वो अपराधियों को गिरफ्तार कर पाती है या नहीं कर पाती है। बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आपका इस जानकारी के लिए। तो पहले अब जब सरकार पर हमला हुआ है, यानी कि विधायक की बहन पर हमला हुआ है, तब अब सरकार पर भी सवाल उठने लगे हैं, और बीजेपी नेता एक सुर में अब कह रहे हैं कि जब परिवार के लोग, विधायक के परिवार के लोग महफूज नहीं है तो आखिर जनता कैसे सुरक्षित होगी, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर एक बार फिर सवालों के घेरे में है। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है सासाराम से, एक युवक की हत्या की खबर मिल रही है, चाकू मारकर युवक की हत्या की गई है, लोखा थाना इलाके की घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको सासाराम से बता रहे हैं हम, जहां जानकारी मिल पा रही है कि एक युवक की हत्या कर दी गई है चाकू मारकर। अमरजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता, उनसे बात करते हैं। अमरजीत, क्या जानकारी मिल पा रही है इस खबर पर? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही दुखद घटना है, और रात में जब युवक कहता सुनकर घर लौटा था, उसी दौरान अपराधियों ने पहले से ही घात लगाए बैठे थे, और इस घटना को उसी समय अंजाम दिया गया जब युवक वापस आ रहा था, उसी दौरान उसको चाकू मार दिया गया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आपका अमरजीत, सासाराम से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चाकू मारकर एक व्यक्ति की हत्या की खबर मिल रही है। खबर पाकुड़ से है, जहां भारी मात्रा में विस्फोटक का जखीरा जब्त किया गया है। मालपहाड़ी पुलिस ने छापेमारी कर 990 पीस जेलेटिन की छड़ जब्त किया है, जो दो जूट की बोरी में भरकर बाइक से लाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। छानबीन में पता चला है कि पश्चिम बंगाल से विस्फोटक लाया गया था। मंगलवार को भी विस्फोटक से भरे दो मिनी ट्रक को पाकुड़िया में जब्त किया गया था। एसपी ने दोनों ही मामले में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। तो दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 990 छड़ जिलेटिन की बरामद की गई है। पश्चिम बंगाल से यह विस्फोटक लाया जा रहा था। सोहन प्रमाणिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता पाकुड़ से, उनसे बात करते हैं। सोहन, इस वक्त पुलिस क्या बता रही है पूरे मामले को लेकर अब? सोहन, आपको आवाज मिल पा रही है?
तो हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है, लेकिन खबर आपको बता देते हैं, पश्चिम बंगाल से विस्फोटक लाया जा रहा था जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है और दो आरोपियों को पुलिस ने इसमें गिरफ्तार किया है और 990 छड़ जिलेटिन की बरामद की है पुलिस ने। एसपी ने दोनों ही मामले में FIR दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं। तो पाकुड़ से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जानकारी ये मिल पा रही है कि मंगलवार को भी विस्फोटक से भरे दो मिनी ट्रक को पाकुड़िया में जब्त किया गया था और एसपी ने अब FIR दर्ज करने को कहा है। पश्चिम बंगाल से विस्फोटक लाया जा रहा था, पाकुड़ की ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहाँ दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जानकारी ये मिल पा रही है कि जिलेटिन की छड़ जो पुलिस ने जब्त की वो 990 पीस थी जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है और दो जूट की बोरी में इसे भर कर लाया जा रहा था, बाइक से लाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। जी मीडिया संवाददाता सोहन प्रमाणिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोहन, पुलिस ने कहा है कि दोनों ही मामलों में अब FIR दर्ज होगा, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ये जो घटना है ये मालपारी थाना क्षेत्र का घटना है, जहां अवैध रूप से ले जा रहे विस्फोटक को पुलिस ने पकड़ा है। बाइक से ले जा रहा था, दो बाइक से विस्फोटक लेके आ रहा था जिसमें दो दो लोग बैठे थे। पुलिस ने एक बाइक में सवार दो लोगों को और विस्फोटक का तो बरामद कर लिया, लेकिन दूसरा बाइक जो है वो फरार होने में कामयाब रहा। तो वही दूसरी घटना जो है कल शाम की है, जहां जिले के पकोरिया थाना अंतर्गत दो मिनी ट्रक में विस्फोटक ला रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि वह विस्फोटक पाकुड़ ला रहा भारी मात्रा में, तो पुलिस ने और दोनों पर FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया चल रही है। एसपी ने साफ तौर पर कहा है कि इन मामलों में किन्हीं को बख्शा नहीं जाएगा और विस्फोटक अवैध रूप से जो जिला में आ रहा है, कहीं ना कहीं ये विस्फोटक किसी गलत हाथों में भी जा सकता है। इस वजह से जो है पुलिस ने काफी कड़ा निर्देश दिया है। बिल्कुल, कह सकते हैं सोहन की अब पुलिस स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी आगे। आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। खबर पाकुड़ से मिल रही है, महिला की मौत की खबर है। संदिग्ध हालत में महिला की मौत हुई है। ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगा है, पथरिया गांव की घटना बताई जा रही है और तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पाकुड़ से महिला की मौत की खबर मिल रही है। जी मीडिया संवाददाता सोहन प्रमाणिक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सोहन, महिला की मौत की खबर मिल रही है और साथ ही साथ ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगा है, क्या पूरी जानकारी है? जी, ये महिला का जो है शादी पिछले दो साल पहले ही हुआ था। ये महिला रात में सोई हुई थी कि अचानक सुबह जब उठी तो महिला मृत पाई गई। तो जब परिजनों को इनके सूचना दी गई तो परिजन लोग जब आए तो उनके गला में निशान देखा गया, तो परिजनों ने आरोप लगाया कि इनके पति और इनके सास ससुर ने मिलकर इनकी हत्या कर दी है। चूंकि बहुत कई दिनों से इनके घर में विवाद चल रहा था, झगड़ा हो रहा था, तो फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जो है पूछताछ कर रही है, सबको अपने कब्जे में ले लिया है और जो उनके परिजन है, जो विवाहिता के जो पति हैं, उनको हिरासत में लेकर पूरे मामले में पूछताछ कर रही है। जी बिल्कुल सोहन, बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे इस जानकारी के लिए। तो पाकुड़ से इस वक्त अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां महिला की मौत की खबर मिल रही है। संदिग्ध हालत में महिला की मौत हुई है, ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है, पथरिया गांव की घटना बताई जा रही है, वहीं पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। आपका जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से शरद यादव हट गए हैं, उनकी जगह अब नीतीश कुमार ने जेडीयू की कमान संभाल ली है। अब शरद यादव के सियासी भविष्य को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या शरद यादव फिर से जेडीयू से राज्यसभा जाएंगे? शरद यादव ने नीतीश कुमार के लिए रास्ता दे दिया। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकाल पूरा होने के पहले शरद ने इस्तीफा दे दिया और नीतीश कुमार जेडीयू के सर्वमान्य नेता बन गए। लेकिन शरद के सियासी भविष्य को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं, क्या शरद यादव एक बार फिर राज्यसभा जाएंगे? वो तीन बार लोकसभा से इस्तीफा दे चुके हैं, इसलिए उनको इस कंट्रोवर्सी में घसीटना उनके लिए सम्मानजनक नहीं है। इस बार जा रहे हैं वो राज्य? नहीं, मैंने बताया ना, छोटा पद है उनके लिए, इट इज़ टू स्मॉल टू बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा फॉर शरद यादव। ये तो पार्टी के संसदीय बोर्ड, पार्टी का सांगठनिक आधार तय होगा, लेकिन माननीय शरद यादव जी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, पथ प्रदर्शक हैं, उनके सलाह हमारी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। इन तमाम बिंदुओं को रेखांकित कर दिया गया है, इसलिए यह हमारे दल का अंदरूनी मामला है। अभी जब प्रस्तावित चुनाव होगा, उसका नोटिफिकेशन होगा, तो सारी बातें सामने आ जाएंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटने के बाद शरद को मार्गदर्शक बताने वाले नेता भी जेडीयू में मौजूद हैं, लेकिन विरोधियों को निशाना साधने का भी मौका मिल गया है। हम लोगों ने तो बार बार कहा कि शरद यादव की जो जॉर्ज का जो हाल हुआ वही हाल
शरद यादव का जो है, और मुझे लगता है कि शरद जी राज्यसभा चुनाव तक चुप्पी बनाए रखेंगे, क्योंकि बोलने पर हो सकता है कि राज्यसभा की सीट भी जा सकती है। जेडीयू में नीतीश कुमार इस वक्त वन मैन आर्मी कहे जा रहे हैं, दोहरी जिम्मेवारी है उनकी, लेकिन शरद यादव को लेकर जेडीयू में असमंजस के हालात नजर आ रहे हैं तो हैरानी की बात नहीं। साकेत कुमार, जी मीडिया, पटना। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, एनआईए अफसर तंजील अहमद की पत्नी की मौत की खबर मिल रही है। घायल फरजाना की एम्स में मौत हुई है। 2 अप्रैल को एनआईए अफसर पर हमला हुआ था और हमले के वक्त तंजील के साथ फरजाना मौजूद थी। हमले में फरजाना को 2 गोलियां लगी थी। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जानकारी ये मिल पा रही है कि एनआईए अफसर तंजील अहमद की पत्नी की मौत हो गई है। घायल फरजाना की एम्स में मौत हुई है और 2 अप्रैल को एनआईए अफसर पर हमला हुआ था। हमले के वक्त तंजील के साथ फरजाना मौजूद थी और हमले में फरजाना को 4 गोलियां लगी थी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जानकारी ये मिल पा रही है कि एनआईए अफसर तंजील अहमद की पत्नी की मौत हो गई है और पत्नी उनकी फरजाना एम्स में भर्ती थी और एम्स में उनकी मौत हुई है। 2 अप्रैल को ये पूरा हमला हुआ था, एनआईए अफसर पर हमला हुआ था और हमले के वक्त तंजील के साथ फरजाना भी मौजूद थी। हमले में फरजाना को 4 गोलियां लगी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, एम्स में भर्ती कराया गया था और अब जानकारी ये मिल पा रही है कि एम्स में मौत हो गई है फरजाना की। 2 अप्रैल को एनआईए अफसर तंजील अहमद पर हमला हुआ था। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, एनआईए अफसर तंजील अहमद की पत्नी की मौत की खबर मिल रही है। घायल फरजाना की मौत एम्स में हुई है। जी मीडिया संवाददाता पूजा मक्कड़ हमारे साथ जुड़ रही है, उनसे बातचीत करते हैं। पूजा, क्या जानकारी मिल पा रही है? खबर यह है कि तंजील अहमद की पत्नी की मौत हो गई है। हेलो जी, बिल्कुल आपको आवाज मिल पा रही है पूजा? जी जी, अपना सवाल एक बार फिर से। बिल्कुल, जानना चाहेंगे कि जानकारी ये मिल पा रही है कि तंजील अहमद की पत्नी की मौत हो गई है, क्या पूरी जानकारी मिल रही है इस वक्त? जी बिल्कुल, जो जानकारी है उसके मुताबिक ये पता चल पाया है कि 2 दिन पहले एम्स के ट्रॉमा सेंटर में फरजाना को भर्ती कराया गया था। हालांकि तब से लेकर अब तक उनकी हालत में ना कोई सुधार था और ना वो होश में आई थी, लगातार वेंटिलेटर पर चल रही थी। हालांकि डॉक्टरों ने आखिरी कोशिश के तहत उनको रिवाइव करने की कोशिश की जरूर, लेकिन सुबह 10:45 पर एम्स के ट्रॉमा सेंटर में उन्होंने दम तोड़ दिया और उन्हें मृत घोषित किया गया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे इस जानकारी के लिए। तो एनआईए अफसर तंजील अहमद की पत्नी की मौत की खबर मिल रही है। घायल फरजाना की मौत एम्स में हुई है और 2 अप्रैल को एनआईए अफसर पर हमला हुआ था। हमले के वक्त तंजील के साथ फरजाना मौजूद थी और हमले में फरजाना को 4 गोलियां लगी थी। रुक करेंगे दूसरी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में अलगाववादियों ने आज बंद बुलाया है। दरअसल प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी में 2 युवकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से हंदवाड़ा में तनाव है। स्थानीय लोगों ने सेना के जवानों पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया है। हालांकि सेना ने तफ्तीश का भरोसा दिया है। तस्वीरें श्रीनगर से करीब 85 किलोमीटर दूर हंदवाड़ा की हैं। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में कल हालात उस वक्त तनावपूर्ण हो गए जब स्थानीय लोगों ने सेना के जवान पर एक लड़की के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया और अचानक उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया। सुरक्षा बलों ने हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन भीड़ सेना के बंकर को ही आग लगाने पर आमादा थी। तब सुरक्षा बलों ने भीड़ को हटाने के लिए बल प्रयोग किया, जिसमें 2 युवकों को गोली लग गई। घायलों को अस्पताल भी पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का एक बंकर है, उसको उखाड़ने की कोशिश की, उसमें आग लगाने की कोशिश की, तो वहां पे जो फोर्सेस तैनात थे उन्होंने काफी कोशिश की कि वो लोगों को पीछे धकेल सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उनको जो है वो फोर्स यूज करना पड़ा, जिसमें 2 लोग जो है वो जख्मी हुए और बाद में उनकी मौत हुई है। सेना ने घटना पर अफसोस जताते हुए निष्पक्ष जांच का यकीन दिलाया है। पुलिस ने भी मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। इसमें केस रजिस्टर किया है हमने और जो ही जो सिचुएशन वहां पे है वो थोड़ी काबू में आएगी तो उसके बाद हम तफ्तीश करेंगे। सेना की ओर से कहा भी गया है कि इस पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई भी होगी। इस बीच ये बताना भी जरूरी है कि एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें उस लड़की का बयान है जिससे कथित तौर पर छेड़छाड़ का आरोप सेना के जवान पर लगा है। इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि जी न्यूज नहीं करता है, इसलिए हम आपको ये वीडियो नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में
वो लड़की ये कह रही है कि वो सेना के बंकर के पास शौच करने के लिए गई थी और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, और जैसे ही वो शौचालय से बाहर निकली उसे किसी ने थप्पड़ मारा और गालियां दी। लड़की के मुताबिक ऐसा करने वाले कुछ लड़कों को वो पहचानती है और वो लड़के स्थानीय हैं। लड़की ने ये भी कहा है कि वो लड़के उस पर ये आरोप लगा रहे थे कि वो सेना के जवान के साथ थी, लेकिन शौचालय में मेरे सिवाय और कोई नहीं था। घटना के फौरन बाद नारेबाजी होने लगी और इलाके में तनाव पैदा हो गया। हालांकि हालात काबू में करने के लिए और सुरक्षा बलों को हंदवाड़ा भेजा गया है। वहाँ पे जो DIG नॉर्थ रेंज है वो वहाँ पे है और SSP हंदवाड़ा भी मौके पे है, तो कोशिश ये की जा रही है कि सिचुएशन को कंट्रोल में लाया जाए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हादसे पर दुख जाहिर किया है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अब हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी ने आज कश्मीर बंद का आह्वान किया है और बाकी अलगाववादी संगठनों ने भी बंद का समर्थन किया है। सवाल यही है कि जब सेना ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है तो फिर बंद क्यों बुलाया गया है? जब पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है तो माहौल को क्यों गरमाया जा रहा है? क्या बंद बुलाकर अलगाववादी जानबूझकर मामले को हवा दे रहे हैं? आखिर क्या है हंदवाड़ा का सच? क्या ये सेना को बदनाम करने की साजिश है? खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। सूरज का सितम जारी है, लेकिन अभी फिलहाल लोगों को गर्मी से कोई राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम वैज्ञानिक AK गिरी से बात की जी मीडिया संवाददाता आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मौसम विभाग के साइंटिस्ट AK गिरी सर। सर, मौसम विभाग की स्थिति क्या है और गर्मी के जो कहर है वो कब तक चलेगी? नहीं, अभी तो अगले 3-4 दिनों ऐसी कोई राहत की ज़्यादा उम्मीद नहीं है। तो पश्चिमी हवाएं हैं वो ड्राई हैं, पूरा एरिया वो ड्राई है, सभी तो ड्राई हवाएं चलेंगी, लेकिन शनिवार इतवार में यह है कि पश्चिम विक्षोभ है उसका थोड़ा सा असर देखने को मिलेगा, तो उससे 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आएगी। बहुत ज़्यादा उस पर भी उम्मीद नहीं है। सर, नक्शे के हिसाब से बताया ना, जो हमारे दर्शक वो देखना चाहते हैं क्या है टेम्परेचर और कब तक स्थितियाँ सुधर सकती है? ये हमारे यहाँ डॉपलर वेदर रडार की स्थिति है जो आप ये सामने देख रहे हैं, ये रिफ्लेक्टिविटी दिखाती है। तो जब कभी बादल वगैरह होंगे तो वो इस तरह के कलर में आएगी, या तो ब्लू आएगा या वाइट या फिर येलो या रेड। रेड है तो मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंस है, प्रेसिपिटेशन या आंधी तूफान की संभावना है। ब्लू है तो क्लाउड वगैरह है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ कहीं भी अभी क्लाउड ऐसा कोई नामो निशान भी नज़र नहीं आ रहा है, तो जिससे कि पता चलता है कि ज़्यादातर एरिया शुष्क है। ये कब तक ऐसी स्थिति रहेगी सर? अगले 3-4 दिन अभी ऐसा ही है। 3-4 दिनों के बाद गर्मी से राहत मिलेगी? नहीं, राहत बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी, 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में कमी आएगी। एक पश्चिमी विक्षोभ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो हल्का ही है, लेकिन उसका थोड़ा सा असर देखने को मिलेगा, तो शनिवार इतवार में थोड़ा सा देखने। तो गर्मी से फिलहाल राहत कब तक मिलने की उम्मीद है? नहीं, थोड़ा बहुत जो परिवर्तन आएगा वो शनिवार इतवार में आएगा, उससे पहले नहीं है। यानी कि शनिवार रविवार के बाद स्थितियाँ बदल सकती हैं? नहीं, ज़्यादा नहीं बदलेंगे, फिर भी इस इतनी गर्मी से राहत थोड़ा सा, हाँ, 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो गर्मी से राहत के लिए आपको शनिवार रविवार तक इंतजार करना होगा, उसके बाद थोड़ी सी राहत मिलेगी, बहुत ज़्यादा राहत तो नहीं मिलेगी लेकिन थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद है। कैमरामैन गंधर्व के साथ आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। सासाराम के करगहर ब्लॉक में बच्चों को पढ़ने के लिए जान जोखिम में डालना पड़ता है और इस कोशिश में कई बार बच्चे जख्मी भी हो जाते हैं। बच्चे ऐसा क्यों करते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। सरकार शिक्षा के विकास का लाख दावा करे लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। भवन बरहेटा गांव में गारिया पहाड़ी नदी पर बना ये बांस का पुल बच्चों के स्कूल आने जाने का एकमात्र रास्ता है। हम लोग का गांव में रोड नहीं है और हम लोग चचरी पर चढ़कर पढ़ने जाते हैं। ठीक है सर, हम लोग जाने में कितने लड़के गिर जाते हैं, कापी किताब गिर जाता है, अच्छा से स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं और चचरी से गिरकर किसी लोग का गोड़ हाथ टूट जाता है। 2 साल पहले ये चचरी पुल भी नहीं था, तब कैसे बच्चे स्कूल जाते थे? शिक्षक की जुबानी आपको सुनाते हैं। ये तो अभी कुछ समय अभी ठीक है कि चचरी पथ पे भी बच्चे आ जा रहे हैं, नहीं तो जब बारिश के मौसम में बच्चे एकदम इतना गर्दन तक पानी में लगकर और झोला को हाथ में करते हुए इसी तरह से बच्चे आते हैं। सरकारी योजना को लागू करने के लिए अधिकारियों की लंबी चौड़ी टीम है, लेकिन व्यवस्था में सुधार की चिंता किसी को नहीं है। वैसे विद्यालय को चुन चुन करके उनके जुड़ने का प्रयास किया जाएगा। स्कूल की नई बिल्डिंग बन गई, लेकिन बच्चों के लिए रास्ते नहीं बनाए गए। बरसात में बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, इसकी फिक्र कौन करेगा?
अमरजीत कुमार, जी मीडिया, सासाराम। रुक करेंगे दूसरी खबर की ओर। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट मिडलटन पहुंची। खुली जीप में प्रिंस विलियम और केट मिडलटन ने काजीरंगा नेशनल पार्क को घूमा। इसके बाद शाही जोड़े ने काजीरंगा के फॉरेस्ट अधिकारियों से भी मुलाकात की और उनसे नेशनल पार्क और यहां रहने वाले जानवरों पर खतरे को लेकर बातचीत की।